गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 10 जीव विज्ञान चैप्टर सेकेंड प्रजनन का अध्ययन करेंगे। प्रजनन का जो भाग है वो क्या है, जीवों में जनन कैसे होता है। ठीक, जीवों में जनन कैसे होता है सबसे पहले पढ़ेंगे, जीवों में जनन कैसे होता है। तो हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे जनन क्या है। ठीक, तो हम समझेंगे कि जनन क्या है, तो देखेंगे। ठीक, जनन जनन क्या है, जीवों में अपने समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। ठीक, जैसे कि हिरण है और हिरण का जो ठीक जो मतलब संतान होगी वो भी क्या उसी रूप में होगी। ठीक, तो यही कह रहा है कि जीवों में अपने समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। ठीक, फिर देखेंगे आगे क्या है, जनन की आवश्यकता क्यों है, तो देखेंगे। इससे जाति का अस्तित्व बना रहता है। ठीक, जनन की क्यों आवश्यकता होती है, इससे जाति का अस्तित्व बना रहता है। ठीक, फिर दूसरा क्या है, इससे जीवों की संख्या बढ़ती है। ठीक, इससे जीवों की संख्या बढ़ती है। फिर क्या है, तीसरा, जनन के द्वारा जीवों में कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, जनन के द्वारा जीवों में कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ठीक, जो जीव को वातावरण के ठीक जो जीव के वातावरण के अनुकूल बनाती हैं। फिर देखेंगे आगे, जनन कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो जनन तीन प्रकार का होता है। ठीक है, नंबर एक कौन सा, लैंगिक जनन है। ठीक, दूसरा क्या, अलैंगिक जनन है। तीसरा कायिक जनन है। तो पहले हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन, लैंगिक जनन क्या है ये पढ़ेंगे हम। तो लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक, नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक, जो संलयन के द्वारा संतति का विकास करते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन में संतति में कुछ विभिन्नता आती है। ठीक, जो जीव अनुकूल बनाती है। विभिन्नताओं का कारण पैकी तीन अवस्था में जीन विनिमय होता है। ठीक, फिर देखिए पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन में नर तथा मादा ठीक नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण व संलयन नहीं होता है। ठीक, अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतति आकार की एवं ठीक आनुवांशिक की दृष्टि से जनक के बिल्कुल समान होती है, जिसे क्लोन कहा जाता है। ठीक, तो देखें अगला। ठीक, अगला क्या है, ठीक कायिक जनन। कायिक जनन क्या है, पौधों के कायिक भागों जैसे जड़ तना पत्ती से होने वाला जनन कायिक जनन कहलाता है। ठीक, तो कायिक क्या होता है, कायिक जनन जो जड़ पौधे के कायिक भाग जैसे कि जड़ तना पत्ती से होता है। ठीक, से होने वाला जनन जो होता है वो क्या होता है, कायिक जनन होता है। ठीक, कायिक जनन एवं अलैंगिक जनन के महत्व क्या है, देखेंगे। नंबर एक, इससे बीज रहित पादपों से भी संतति उत्पन्न हो जाती है, जैसे केले से गन्ने से। मतलब कह रहा है कि जो इससे बीज रहित पादपों से भी संतति उत्पन्न हो जाती है, जिसमें बीज नहीं होता है उसमें भी उन पेड़ पौधों से भी क्या होता है, संतति उत्पन्न हो जाती है। ठीक, तो देखेंगे वो पौधे यहाँ पर कौन कौन से हैं। ठीक, ये जो आपके पौधे हैं ठीक वो क्या है, केला है और क्या है, गन्ना है। ठीक, तो यहाँ पर ये कह रहा है। फिर देखें दूसरा क्या है, इनसे कम समय में संतति उत्पन्न हो जाती है। ठीक, इसमें जो है क्या कहता है कि इसमें कम समय लगता है और संतति क्या उत्पन्न हो जाती है। तीसरा देखेंगे, उच्च उत्पादकता वाले जनक पादपों में प्राप्त संतति कायिक जनन भी उच्च उत्पादकता वाली होती है। ठीक, फिर देखेंगे अगला क्या कह रहा है, कह रहा है अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन क्यों श्रेष्ठ माना जाता है। तो हमें बताना है कि अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन क्यों श्रेष्ठ माना जाता है। तो देखिए क्या है कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति जनक के बिल्कुल समान होती है, जबकि लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति में भिन्नताएं आती हैं। ठीक, जो अलैंगिक जनन होता है उसमें जो संतति उत्पन्न होती है वो अपने जनक के बिल्कुल समान होती है, पर यहाँ पर लैंगिक जनन में क्या होता है, जो उत्पन्न संतति होती है वो उसमें भिन्नता होती है। ठीक, जो स्पीसीज को वातावरण के अनुकूल बनाती है,
इसीलिए इनके जीवित रहने के अवसर अच्छे होते हैं। ठीक, तो क्या कहता है कि जो स्पीसीज को वातावरण के अनुकूल बनाती है, इसलिए इनके जीवित रहने के अवसर अच्छे होते हैं। ठीक, अतः लैंगिक जनन को अलैंगिक जनन की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है। फिर देखेंगे आगे हम क्वेश्चन क्या है। आनुवांशिकी क्या है? जनक से संतति में आनुवांशिक लक्षणों के स्थानांतरण की क्रिया आनुवांशिकी कहलाती है। क्या कह रहा है कि जनक से संतति में आनुवांशिक लक्षणों के स्थानांतरण की क्रिया ठीक आनुवांशिकी कहलाती है। इसका मतलब है कि जो हमें अपने माता पिता से जो आनुवांशिक लक्षण प्राप्त होते हैं, उनका जो माता पिता से जो उनके गुण होते हैं ठीक, उनके जो लक्षण होते हैं ठीक, वो अगर संतानों में जाता है वो क्या होता है? आनुवांशिक होता है। ठीक, तथा जो लक्षण स्थानांतरित होते हैं उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। आनुवांशिक लक्षण संतति में जनकों के लक्षणों का नियमन करते हैं। ठीक, जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं उनसे पहचान की जाती है। ठीक, क्या कह रहा है कि जनकों के लक्षणों का नियमन करते हैं। ठीक, जैसे क्या कि यदि जनकों का रंग गेहुआ है ठीक, तो मतलब इसका मतलब है कि जो माता पिता का कलर होता मतलब रंग होता है ठीक, वो उससे जो जो संतान में उसका जो प्रभाव जाता है ठीक, आनुवांशिक जो लक्षण जाता है ठीक, उनमें कलर का भी जो प्रभाव होता है। ठीक, अगर माता पिता का रंग गेहुआ होता है तो संतान का भी रंग क्या हो जाएगा? गेहुआ होगा। ठीक, इसी प्रकार देखें आगे क्या है। आनुवांशिक पदार्थ दो प्रकार का होता है। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? दो प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पर नंबर एक के आरएनए है। ठीक, और आरएनए का क्या फुल फॉर्म है यहाँ पर? राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। तो आरएनए को हम बोलेंगे राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। और दूसरा क्या है? डीएनए। डीएनए क्या है? डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। ठीक, तो डीएनए क्या है? डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। फिर देखेंगे आगे आरएनए। आरएनए क्या है? सर्वप्रथम खोजा गया आनुवांशिक पदार्थ आरएनए ही है। इसका पूरा नाम राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक, तो जो आरएनए होता है वो क्या है? आनुवांशिक पदार्थ होता है। और ये सर्वप्रथम खोजा गया, इसका पूरा नाम राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसमें राइबोस शर्करा उपस्थित होती है। आरएनए आनुवांशिक पदार्थ केवल पादप विषाणुओं में पाया जाता है। ठीक, जो आरएनए पदार्थ ठीक आनुवांशिक पदार्थ होता है वो केवल पादप विषाणुओं में पाया जाता है। ठीक, फिर देखें डीएनए कहाँ पाया जाएगा। ठीक, तो देखें डीएनए क्या है, तो हम पढ़ेंगे डीएनए क्या है। देखें लगभग पादप विषाणुओं के अलावा ठीक, उसमें कह रहा था आरएनए में कि केवल पादप विषाणुओं में पाया जाता है, और इसमें क्या है? उसके विपरीत है। कह रहा है लगभग पादप विषाणुओं के अलावा ठीक, सभी सजीवों में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है। तो डीएनए किसमें पाया जाता है? सजीवों में पाया जाता है। तो कह रहा है कि जो ये पदार्थ होता है वो सजीवों में पाया जाता है, केवल किसके अलावा? पादप विषाणुओं के अलावा। ठीक, फिर इसका पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसमें डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है। ठीक, डीएनए प्रतिकृति क्या है? डीएनए में अपने समान तथा डीएनए बनाने का गुण पाया जाता है, जिसे डीएनए की प्रतिकृति कहा जाता है। ठीक, फिर देखें आगे डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। ठीक, तो देखेंगे डीएनए कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों पर उपस्थित होता है। डीएनए जीन्स का निर्माण करता है जो गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। ठीक, डीएनए क्या है? डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है ये बताना है। तो हम बताएंगे कि डीएनए कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों पर उपस्थित होता है। ठीक, डीएनए जीन्स का निर्माण करता है जो गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, गुणसूत्र आपको पता है कि कौन कौन से होते हैं? एक्स एक्स होता है गुणसूत्र, और एक्स वाई होता है। 46 टोटल गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, आपको इतना पता है। ठीक, तो यहाँ पर देखें क्या, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को लेकर जाता है। डीएनए क्या है? डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को लेकर जाता है। ठीक, तो ये हो गया। फिर देखें आगे हम, ठीक, डीएनए की संरचना।
डीएनए का परमाणु मॉडल वाटसन तथा क्रिक ने एक्स-रे निवर्तन के आधार पर प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर डीएनए की निम्न विशेषताएं होती हैं। ठीक, डीएनए में दो श्रृंखलाएं होती हैं जिन्हें रज्जुक कहते हैं, ये आपस में कुंडली नुमा रूप में होती हैं। ठीक, डीएनए में दो श्रृंखलाएं होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं, रज्जुक कहते हैं। ये आपस में कुंडली नुमा रूप में होती हैं जिसे द्वि कुंडली संरचना कहते हैं। ठीक, दूसरा देखेंगे, डीएनए की शर्करा फास्फेट से जबकि केंद्रीय भाग नाइट्रोजनी क्षारकों से बना होता है। नाइट्रोजनी के अंदर देखें क्वेश्चन में क्या है, एडेनिन, ठीक, साइटोनिन, थाइमिन, गुआनिन, तो ये क्या है, क्षारकों से बने होते हैं। फिर देखें आगे क्या है, ठीक, अगला देखेंगे क्या है, डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए का व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए की एक घूर्णन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक, डीएनए अगला क्या है, डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। एक श्रृंखला की दिशा 3 से 5 तथा दूसरी श्रृंखला की दिशा 5 से 3 होती है। ठीक, डीएनए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक, डीएनए क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक, फिर देखें यहाँ पर क्रिक के अनुसार डीएनए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य निम्न प्रकार करता है। सर्वप्रथम डीएनए का अनुलेखन आरएनए में होता है। तो जब पूछा जाए कि डीएनए का अनुलेखन कहाँ होता है, तो हमें बताना है आरएनए में होता है। इसके बाद आरएनए का रूपांतरण प्रोटीन संश्लेषण में होता है। ठीक, फिर देखें आगे क्या, एक कोशिकीय जीवों में जनन, तो एक कोशिकीय जीवों में जनन कहाँ होता है, तो हम बताएंगे कि एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन होता है। कैसा जनन होता है, पूछा जाएगा कि कैसा जनन होता है, तो हमें बताना है एक कोशिकीय जीवों में जनन अलैंगिक होता है। ठीक, अलैंगिक जनन होता है। फिर देखेंगे आगे क्या, एक फिर हम यहाँ पर जो एक कोशिकीय जीव है, जीवों में जनन की क्रियाविधि बताएंगे। ठीक, जो एक कोशिकीय जीव है उनमें जनन कैसे होता है, उनकी क्रियाविधि बताएंगे। ठीक, तो इन नियमों के द्वारा, तो देखें क्या कह रहा है कि सबसे पहले यहाँ पर नंबर एक विखंडन है। ठीक, दूसरा बहुखंडन है। ठीक है, तीसरा क्या है, खंडन है। चौथा क्या है, पुनरुद्धमन, पुनर्जनन। पांचवा देखिए यहाँ पर मुकुलन है। छठवां क्या है, कायिक प्रवर्धन है। और सातवां क्या है, बीजाणु समासंग है। तो हम सबसे पहले विखंडन पढ़ेंगे। तो विखंडन क्या है, विखंडन इस प्रकार के जनन में जीव खंडित होकर जनन करता है। खंडित भाग वृद्धि कर नई संतति का विकास करता है, जैसे अमीबा में द्विखंडन। ठीक, जैसे अमीबा में द्विखंडन, अमीबा प्रकृति में पाया जाने वाला प्रथम जीव है जो अमर होता है या जनन करने के लिए अपने शरीर में एक खांच का निर्माण करता है। ठीक है, फिर क्या होता है, जो बड़ी होकर इसे दो संतति कोशिकाओं में विभाजित कर देती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ये संतति कोशिकाएं विभाजन कर बड़ी होकर अमीबा बन जाती हैं। ठीक, तो ये हो गया। फिर देखिए आगे क्या है, अमीबा में एक अमीबा खंडित होकर दो संततियों का विकास करता है, इसे क्या कहते हैं, द्विखंडन कहा जाता है। तो आपने पढ़ा। ठीक, इसके बाद देखेंगे अगला। ठीक, ये देखिए अमीबा का चित्र है, तो आपको हमने अमीबा पढ़ा दिया है हमने, तो ये आपका चित्र है, इसको भी ठीक बना लेना। देखें दूसरे में क्या है, बहुखंडन। बहुखंडन क्या होता है देखेंगे। ठीक, तो प्लाज्मोडियम परजीवी के संक्रमण से मलेरिया रोग हो जाता है। ठीक, प्लाज्मोडियम परजीवी के संक्रमण से मलेरिया रोग हो जाता है। ये भी एक कोशिकीय जीव है प्लाज्मोडियम परजीवी है। क्या कह रहा है, परजीवी के जो ये क्या है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक, जो अनेक कोशिकाओं में विभाजित होकर संतति का विकास करता है। ठीक, जिसे यहाँ पर क्या होता है, जिसे बहुखंडन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद ये चित्र दिया है, देखें यहाँ पर बहुखंडन कैसे हुआ है। ठीक, तो ये ठीक ये देख के बना लेंगे। फिर देखिए अगला क्या है, खंडन है। खंडन क्या है, सरल संरचना वाले कुछ बहुकोशिक जीव जैसे स्पाइरोगाइरा विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। प्रत्येक खंडित भाग विकसित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं, जिसे खंडन कहा जाता है। ठीक, तो क्या है, स्पाइरोगाइरा विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। ये भी क्या है, एक कोशिकीय जीव है। तो क्या कह रहा है कि प्रत्येक खंडित भाग विकसित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं, जिसे खंडन कहा जाता है। ठीक, देखिए फिर आगे क्या कारण है कि जटिल संरचना वाले बहुकोशिक जीव खंडन द्वारा जनन नहीं करते हैं। ठीक, तो क्या कह रहे हैं,
यहाँ पर की कह रहा है कि जो बहुकोशिक जीव होता है वो खंडन द्वारा जनन नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो देखेंगे बहुकोशिक जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक, जिनका जीव में स्थान निश्चित होता है तथा ये भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करती है जो कि जीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है। ठीक, यदि ऐसे जीव खंडन द्वारा जनन ना करते, यहाँ पर कह रहा है यदि ऐसे जीव खंडन द्वारा जनन करते हैं तो प्रत्येक कोशिका प्रत्येक खंडित भाग में नहीं आ पाएगी, जिससे इन खंडों का विकास भी नहीं हो पाएगा, इससे जाति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ठीक, अतः ये जीव खंडन द्वारा जनन नहीं करते, ये जनन के लिए कुछ अन्य तरीके अपनाते हैं। ठीक, तो इसके बाद हम देखेंगे पुनरुद्धमन पुनर्जनन। तो ये क्या है, कुछ जीव पूर्ण विभेदित होते हैं, जैसे हाइड्रा प्लेनेरिया, पूर्ण विभेदित जीवों में कायिक जनन पाया जाता है। ठीक है, यदि ये जीव किसी कारणवश विभिन्न टुकड़ों में टूट जाए तो प्रत्येक टूटा हुआ भाग नई संतति का निर्माण कर लेता है, जिसे पुनरुद्धमन कहा जाता है। ठीक, फिर देखें आगे हम, ये आपका चित्र हो गया, चित्र बना लेंगे। ठीक, इसके बाद देखेंगे, ठीक, इसको बना लेना है। ठीक, इसके बाद देखेंगे हम, ठीक, मुकुलन क्या है। तो मुकुलन क्या होता है, हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन कोशिकाओं का उपयोग पुनर्जनन के लिए करते हैं। इन प्राणियों में पुनर्जनन कोशिकाओं के नियमित विभाजन से एक मुकुल नामक अतिवृद्धि का विकास होता है, जो जीव अलग होकर संतति का विकास करती है। ठीक, ये आपका मुकुलन का चित्र हो गया, इसमें देखें स्पर्श दिया हुआ है और मुकुल दिया हुआ है। ठीक, तो आपको ये चित्र बना लेना है। ठीक, फिर देखें आगे हम, ठीक, आगे हम पढ़ेंगे कायिक प्रवर्धन, इसी का जो पार्ट है। तो हम क्या है, कायिक प्रवर्धन, पौधों के कायिक भागों जैसे जड़ तना पत्ती से नए पौधे के निर्माण की क्रिया कायिक प्रवर्धन कहलाती है। ठीक है, जैसे ब्रायोफिल्म में पत्तियां टूटकर मिट्टी में गिर जाती हैं, जो विकसित होकर नए पौधे का विकास करती हैं। ठीक, तो क्या कह रहा है कि ब्रायोफिल्म में पत्तियां टूटकर मिट्टी में गिर जाती हैं, जो विकसित होकर नए पौधे का क्या करती हैं, विकास करती हैं। ठीक, तो ये हो गया, देखिए ये पत्ती है जो गिरी हुई है, और ये क्या है, ये ब्रायोफिल्म में जो पत्ती गिरी हुई है उसमें क्या पौधे विकसित हो रहे हैं, छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं ना, तो आपको ये चित्र बना लेना है। ठीक, फिर देखेंगे आगे हम, ठीक, इसके आगे पढ़ेंगे तो क्या है, देखेंगे बीजाणु समासंग। तो बीजाणु समासंग क्या है, कुछ सरल बहुकोशिक जीवों में जनन के लिए विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं जो जनन के लिए उत्तरदायी होती हैं। राइजोपस या कवक है। ठीक, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ब्रेड पर धागे के समान एक संरचना बनी होती है जिसके ऊर्ध्व तल पर गोल संरचना पाई जाती है जो जनन में भाग लेती है या गुच्छे के रूप में होती है। ये गुच्छे बीजाणु धानी है। ठीक, तो क्या कह रहा है कि जो गोल संरचना होती है वो जनन भाग लेती है, ठीक, या गुच्छे के रूप में होती है, और ये कुछ बीजाणु धानी है जिसमें ये बीजाणु राइजोपस के बीजाणु बनाते हैं। ठीक, ये बीजाणु ही वृद्धि करके नए जीव का विकास करते हैं। ठीक, बीजाणुओं के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है, ठीक, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में इनकी सुरक्षा करती है। तो देखेंगे चित्र दिया हुआ है, ठीक है, ये गोल जो गोल 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 संरचना दी हुई है ये आपको दिख रहा है। फिर यहाँ पर देखें इस बीज, ठीक, निकले हैं, तो इसको आपको क्या बीज दिए हैं ना, जो गोल संरचना दी है इसके अंदर बीज है, तो आपको ये चित्र जो है ना, ठीक है, बना लेना है, जड़ दी हुई है इसकी। ठीक, तो आपको ये चित्र बना लेना है। ठीक, फिर देखेंगे आगे, ठीक, आगे क्या हम देखेंगे, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन वे जीव करते हैं जिनमें नर व मादा युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक, ये युग्मक आपस में मिलकर एक नई संरचना बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं, लैंगिक जनन में जिनमें नर व मादा युग्मकों का निर्माण होता है, ये युग्मक आपस में मिलकर एक नई संरचना बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये युग्मक आपस में मिलकर एक, ठीक, नई संरचना बनाते हैं। ठीक, यह संरचना विकसित होकर संतति का विकास करती है। ठीक, यहीं से हमारी क्लास समाप्त होती है, आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में युग्मक क्या है। ठीक, युग्मक क्या है, और इसी के आगे हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। थैंक्स क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।